हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर चल रहे एक एयरड्रॉप के बारे में। और इस एयरड्रॉप में दोस्तों, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे आप जीत सकते हैं स्टेप इन के स्नीकर्स, और साथ में आप यहाँ पे 9000 USDT को शेयर कर सकते हैं। जो स्टेप्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। इसकी जानकारी इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काउंट डाउन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 3 दिनों के अंदर आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। और ये जो एक्सचेंज है दोस्तों, ये इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे भी आपको वो सारी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें इस समय बाइनेंस और कुकॉइन पे भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ट्रेड में जाके स्पॉट मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, इनके डेरिवेटिव्स में जाके आप ETF में भी लेवरेज ले सकते हैं और फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले इस एयरड्रॉप के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे साइन अप फॉर द इवेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैंने भी अभी तक क्लिक नहीं किया था, तो मैंने भी इस वीडियो को बनाते समय यहाँ पे क्लिक कर लिया है, तो मैंने भी यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट के लिए साइन अप कर लिया है। अब यहाँ पे पहले बात करें कि यहाँ पे रूल्स क्या हैं। तो ये कहते हैं कि पूरे इवेंट के दौरान अगर आप यहाँ पे मिनिमम 500 USDT की ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करते हैं, यानी कि आप 500 USDT से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आप जीत सकते हैं स्टेप एन के स्नीकर्स, और साथ में आपको मिल सकता है अप टू 9000 USDT। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस चार्ट में बताया है कि जो स्नीकर्स है उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे 1 pair ऑफ स्टेप एन स्नीकर्स जीतते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 50,000 US डॉलर की ट्रेड करनी होगी। और अगर आप यहाँ पे पूल प्राइस को शेयर करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट है वो है यहाँ पे $500। और अगर आप यहाँ पे 33 स्टेप एन 66 स्टेप एन इन स्नीकर्स को जीतना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी, जो ट्रेडिंग अमाउंट होगा, कम से कम 2,000, 5,000 और 10,000 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक नए ETF ट्रेडर है तो यहाँ पे आपको कम से कम 50 USDT से ट्रेड करनी होगी, और आप यहाँ पे विन कर सकते हैं 5 USDT। तो उनके लिए है जो बिल्कुल ही नए हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेडिंग अमाउंट में बाय और सेल दोनों काउंट होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास सिर्फ $250 हैं और आपने यहाँ पे $250 से बाय किया, फिर आपने उसे सेल कर दिया $250 पे, या फिर थोड़े से प्रॉफिट के साथ $300 पे, तो यानी कि दो ट्रेड में ही आपका ये जो टारगेट है 500 USDT ट्रेडिंग वॉल्यूम का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि ये जो एयरड्रॉप है, ये जैसे ही एक्टिविटी ख़त्म होगी उसके 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में ये पहुँचा दिया जाएगा। साथ में इनके एक्सचेंज के ऊपर आपका KYC होना भी रिक्वायर्ड है, तो मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे KYC अप्रूव्ड हो। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ETF रैंकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और आप यहां पे अर्न कर सकते हैं अप टू 9000 USDT। अब यहां बात करते हैं कि जो ऑलरेडी इस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इजी है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम यहां पे अकाउंट क्रिएट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और तो आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपको यहाँ पे अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका फ़ंड किसी और एक्सचेंज के ऊपर है तो आप उसे वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनके एक्सचेंज के ऊपर, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनके P2P फीचर को, जो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम बाइनेंस में, WazirX में, कुकॉइन में यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आप ट्रेड पे जाएंगे और पुश के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है P2P ट्रेडिंग का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन मिलता है। साथ में आप यहाँ पे करेंसी चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी INR चूज़ किया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से बाय या फिर सेलर के साथ जाना है। और P2P की ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, और वहाँ पे जाके दोस्तों आप अपने पेमेंट अकाउंट को सेटअप करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे UPI ऐड किया हुआ है, तो ठीक उसी तरीके से आप भी यहाँ पे जाके अपने पेमेंट अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा है, बहुत ही इजी और आसान प्रोसेस है। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको MEXC ग्लोबल के अंदर P2P की ट्रेडिंग करनी होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो MEXC के एयरड्रॉप के बारे में और इनके P2P ट्रेडिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।